सुनो सुनो, आज जिंदगी में पहली बार मुझे अपने लड़के होने का गर्व हो रहा है भाई। कहाँ रह गए तफसीर भाई? अरे यार, आज जिंदगी में पहली बार मुझे अपने लड़के होने पे गर्व हो रहा। क्यों? अरे यार, घर पे बैठा था, अब्बा सुना रहे थे, मुझे बर्दाश्त न हुई, गेट खोला घर से बाहर। यार, इसमें गर्व करने वाली कौन सी बात है? गर्व करने वाली बात है ना, हम तो लड़के हैं, हम तो घर से बाहर निकल जाए, लड़कियों को तो बड़ी कव्वाली सुननी पड़े। यार सही कह रहे हो यार, तुम लड़कियों को तो बहुत ज्यादा डांट सुनने को मिलती है। बस यही तो आगे जाओगे पूरे, बस यही तो ना करो। अरे यार, मैं बताता रहा हूँ, अगर मैं आज लड़की होता ना तो चुड़िया तार लड़ कर होता। शुक्र मानो तुम लड़की ना हो, सारे बाल नोच लेता मैं तुम्हारे। हाँ यार, तू सही कह रहा। अबे ऐसा सुअर पति मैं झेलता कैसे? साजे की दूरबीन लेके बैठ रहे थे मैं, मैंने किसके चक्कर चल लिया इसका? बे यार, ऊपर वाले का शुक्र है मुझे लड़का बनाया। तुम उस बात को छोड़, ये बताओ तुम्हारा गणित कैसा? गणित? हाँ, तेरे भाई का गणित कैसा है? आपकी बात में 10 मैंने पास करी थी ना, तो 100 में से 99.5% आई थी मेरी। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी जेब में 200 रुपए पड़े हैं और तुम चले गए जेवा से मिलने के लिए, तो तुम्हारी जेब में क्या रुपए बचे? 1 रुपया भी ना बचा। बहुत बढ़िया उस्ताद, बहुत बढ़िया, तुम्हारी गलत बहुत बढ़िया है। मैं चलता हूँ अपनी सेटिंग से मिलने, मेरी जेब में भी 200 रुपए पड़े हैं। यार ये कौन सी गलत पड़ागा मुझे, बैठे बैठे 200 रुपए खर्च करा दी। जानू तुम्हारी सारी दुख दर्द परेशानी मैं ले लूंगी, लेकिन मेरी तो कोई दुख दर्द परेशानी है ही ना साले, मैं शादी की बात कर रही हूँ। अरे तुम लड़कियों की परेशानी क्या है? अब बचपन से तो माँ बाप हम पे जुलुम उठाते हैं, उसका क्या? अबे कौन सा जुलुम? जुलुम? अच्छा, अरे हम स्कूल से लेट आ गए तो कार रह गई थी, कॉलेज से लेट आ गई तो कार रह गई थी, चौमिन लेने गई तो किसके साथ गई थी, और दावत में जा रही है तो पहले उसकी फ्रेंड का नंबर लेके आओ और अपने भैया को साथ लेकर जाइयो। ये कितनी अलम बड़म अकड़म झगड़म चीजें होती है हमारे साथ में, तुम्हें ये पता नहीं जुलुम ना हो रहा था और क्या हो रहा हम पे? जुलुम ना होता था क्या हो गए? और एक और सुन लो, क्या नाम है, अपनी फ्रेंड की शादी में चली जाऊँ है ना, अब उसके माँ का नंबर लेके आइयो, उसके बाप का नंबर लेके आइयो और अपने भैया को भी ले जाइयो साथ में, ताकि कोई देखे ना, और थोड़ा सा खाना उसे भी खिला दियो। एंड माँ के लड़की अपने कमरे में तकिए पे मुंह गाड़ के रोवे है, ये ऊपर वाले मेरी शादी करा दे, मैं अपना सारी झूंझर अपने मियाँ पे निकालूंगी। पागल लड़की, इसका मतलब तुम पहले से ही प्लानिंग करके रखती हो है अपने पति पर झूठ उतारने की? Oh,